दोस्तों इस तरह से सूजी और घी को मिला के फेंटना पड़ता है। इसको जितना ज्यादा फेंटेंगे उतना ज्यादा अच्छा फूलेगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता किस ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस हम लोग भी अच्छे हैं और देख सकते हैं आज मैं बताने जा रहा हूँ कि बड़ा का बैटर कैसे बनता है। बाकी वीडियो मैंने सब डाल लिया है, तो आज मैं बड़ा का बैटर कैसे बनता है ये मैं दिखाऊंगी। तो देख सकते हैं ये सफ़ेद वाला बिरी है, 3 पाव है, 3 किलो का बनाते हैं इसलिए बिरी 3 पाव लगता है। तो इसको मैं अच्छे तरह से अभी वॉश करूँगी। दोस्तों इसको अच्छी तरह से पहले धो लूंगी, साफ कर लूंगी ताकि सब रहता है गंदा रहता है। देख सकते हैं कितना कितना गंदा पानी निकल रहा है इसमें, इसे अच्छा तरह से 2-3 बार धोना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको मैंने भी धो लिया है, उसके बाद अभी इसको भिगा के रखूंगी कम से कम 1 से 1.5 घंटा तक, उसके बाद दिखाती हूँ। दोस्तों ये है सूजी जो कि 3 केजी का है। जैसे कि देखा था आपने मैंने 3 पाव का बिरी भिगाया है, तो अब ये सूजी 3 किलो है। इसको भी मैं भिगाऊंगी यहाँ पर, ये 10 मिनट में भीग जाता है। इसमें मैं पानी डालूंगी। देख सकते हैं किस तरह से भीगता है सूजी। यहाँ मैंने पानी डाल दिया, सूजी बहुत ज्यादा पानी पी लेता है बहुत जल्द। देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला था और ये अभी सूख जाएगा। इस तरह से सूजी में पानी डाल के थोड़ा हाथ घुमा देने से अच्छा तरह से सब तरफ पानी चल जाएगा, अच्छा से भीगेगा। इसको अभी मैं 10-15 मिनट छोड़ दूंगी, उसके बाद बिरी पीसूंगी। मेरा बिरी भीग चुका है, देख सकते हैं फूल चुका है इतना मस्त। तो इसको मैं अभी ग्राइंडिंग करूंगी और जो अभी मैंने सूजी भिगाया उसमें मिक्स करके फेंट के रखूंगी। तो गाइस देखिए दोस्तों देखिए ये मेरा बिरी इस तरह से मैंने पीसा है ग्राइंडिंग करके। अभी इसको मैं इसमें मिलाऊंगी सूजी में। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा बिरी पीसा के यहाँ मैंने सूजी में डाल दिया है और इसे अभी मैं फेंटूंगी। किस तरह से फेंटती हूँ आप सब देखिएगा। Thank you.
लग जाता है फेंटते हुए, पर मैं तो थोड़ा थक जाती हूँ। कम से कम 15 मिनट तक इसको फेंटना पड़ता है। अभी मैंने इसको फेंट लिया है। सबको साइड से थोड़ा सा किनारा का साफ कर लेते हैं। अच्छा से साफ करने के बाद इसको कवर करके रखेंगे। बोरा में इस तरह से ढक के इसको इस तरह से बांध के रखूंगी, क्योंकि इसमें हवा नहीं घुसेगा तो ये थोड़ा अच्छा से फूलेगा। इसको अच्छा तरह से बांध लिया है और इसको अभी मैं रख दूंगी। फिर इसको शाम को हम लोग छानेंगे। शाम को ये किस तरह से फूल के तैयार होता है मैं शाम को दिखाऊंगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। दोस्तों देख सकते हैं ये मेरा शाम के रेडी हो चुका है। अभी इसको मैं लेके जाता हूँ चूल्हा का सामने, उसके बाद दिखाती हूँ। दोस्तों देख सकते हैं अभी मैं इसे मुंडी में ढो के लेके जा रही हूँ चूल्हा का सामने। तो दोस्तों मेरा कढ़ाई चूल्हा जल चुका है, कढ़ाई तेल गरम हो गया है। अब देखिए मैं बनाती हूँ कैसे। ऐसे इसको पकड़ के ऐसे थोड़ा सा, अरे तेल तो गरम नहीं हुआ है ठीक से, दिख भी नहीं रहा है। ये पहला 3 बड़ा मैंने डाला है, उसको मैं अभी अग्निदेव को अर्पित करूंगी। किधर गया थे? देख सकते हैं कैसा बना है। पहला हिस्सा अग्नि चूल्हा को देते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से मैं बड़ा बना रही हूँ। तो दोस्तों मेरा दही बड़ा बनाने का बैटर कैसे लगा, मैंने किस तरह से बैटर बनाया, आप सबको कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा तो कमेंट कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और नया आए हैं अभी अभी तो हमारे पिछले वीडियो भी देख सकते हैं, दही बड़ा मैंने कैसा बनाया और क्या क्या किया सब वीडियो मैंने डाल के रखा है, मेरा चैनल पर जाके देख सकते हैं। और अभी अभी नया आए हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आगे और ही अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करूंगी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।